अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्मीद की तरफ से अर्जुमन मंसूर आपको खुशामदीद कहती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी तमाम रेसिपीज आपको बआसानी मिल सकें। और अगर मेरी रेसिपीज आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ अपने किचन में चने की दाल और लौकी। बहुत आसान सी रेसिपी है लेकिन बहुत मज़ेदार बनती है, तो आइए दिखाऊँ। इसके लिए ये मेरे पास आधे किलो दाल है जो मैंने भिगो के रख दी थी, ये पांच प्याज हैं, दरमियानी प्याज है जो मैंने काट के रखी हुई है। इसके बाद मेरे पास दो टेबलस्पून मेरे पास अदरक लहसुन है, दो ही टेबलस्पून मेरे पास लाल मिर्च का पाउडर है, एक टीस्पून मेरे पास हल्दी है, डेढ़ टेबलस्पून मेरे पास धनिया है। इसके बाद ये मेरे पास एक बड़ी इलायची है, चार लौंगे हैं, पांच से छह काली मिर्चें हैं। उसके बाद मेरे पास एक स्टिक जो है वो दालचीनी की है, एक बड़ा पत्ता जो है मेरे पास वो बेलीफ यानी कि तेज पत्ते का है, और एक चंद जो है मेरे पास ये देखिए दो डंडियाँ जो हैं ये मेरे पास मौजूद हैं कड़ी पत्ते की। तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं ये देखिए ये मैं मट्टी की हांडी में बनी, देखिए मैंने ये जो मट्टी की हंडिया है मेरे पास इसे मैंने गर्म होने रख दिया था। इसमें मैंने सबसे पहले पानी शामिल किया है, पानी थोड़ा गर्म हो गया है तो अब मैं इसके अंदर ये तमाम जो मेरे पास दाल है ये शामिल कर रही हूँ। जी, मैंने तमाम दाल इसमें शामिल कर दी है, अभी और कोई मसाला शामिल नहीं किया है इसमें। मैं इसके साथ सिर्फ ये चीज़ें शामिल करने जा रही हूँ जब तक इसमें बॉईल नहीं आता। ये देखिए जितना गरम मसाला था ये और कड़ी पत्ता ये मैंने इसमें शामिल कर दिया, और अब मैं इसे ढक दूंगी जब तक इसमें बॉईल नहीं आता। अब इसके अंदर आप ये देखिए ये उबाल आ चुका है, तो मैं ये बकिया चीज़ें इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। मैंने इसके अंदर ये जो प्याज कटी हुई थी मैंने आपको बताया कि चार दरमियानी प्याज है ये मैंने शामिल कर दी, धनिया पाउडर है ये भी मैंने इसमें शामिल कर दिया, मिर्चें हैं ये मैंने इसमें शामिल कर दी, हल्दी भी डाल दी और साथ ही ये अदरक लहसुन भी इसमें शामिल कर दिया। अब मैं इसे मिक्स करूंगी और फिर हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दूंगी। अच्छा, ये देखिए ये मैंने सब कुछ इसको मिक्स किया और ये मैं अब इसका चूल्हा बंद कर दूंगी ढकना और इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी जब तक कि ये दाल गल नहीं जाए। जी, अब हम देखते हैं कि दाल की क्या पोजीशन है। ये देखिए दाल बहुत अच्छी तरीके से गल चुकी है, मैं आपको दिखा चुकी हूँ, ये देखिए ठीक है। अब इस मौके पे हम इसमें ये लौकी शामिल कर देंगे। अच्छा, अगर आपको ज़्यादा लौकी पसंद है जैसे हमारे यहाँ ज़्यादा खाई जाती है तो ज़्यादा डाल दीजिए। तो वैसे ये लौकी इसमें बहुत मज़े की लगती है। ये तकरीबन तीन पाव मेरे पास जो है दाल है तो इसमें ये मैं तकरीबन एक किलो लौकी है जो मैंने शामिल की, तीन पाव दाल मैंने भिगोई थी जो सोख होने के बाद ज़ाहिर बढ़ गई थी, और इसमें ये मैंने लौकी शामिल कर दी है। बस इसके बाद मैं इसे फिर ढक के पकाऊंगी लौकी के गलने तक। अब मैं इसे ढक दूँ। जी, ये इस साइज़ के तीन टमाटर हैं, अगर आपके पास इससे छोटे हों तो मकदार बढ़ा लीजिएगा, और अगर इसी साइज़ के हों तो ये तीन टमाटर हैं। मैं अब इसे काट के अपने लौकी के अंदर दाल और लौकी जो है उसमें शामिल करूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। जी, अब आप ये देखिए मैंने फाइन इसको बस ऐसे ही रफली काट लीजिए, और ये देखिए ये इस वक्त ये कंडीशन है लौकी की, और मैं इसको इसमें शामिल कर दूँ। ये देखिए ये मैंने इसमें डाल दिया, इसे मिक्स करूंगी और इसे फिर पकने के लिए छोड़ दूंगी। ये देखिए, देख रहे हैं आप लोग लौकी, अभी ये इसी के साथ लौकी थोड़ी सी गल चुकी है मेरी, ये देखिए लौकी थोड़ी बहुत हमारी गल गई है। अब इसके अंदर हमने टमाटर शामिल कर दिए हैं, अब मैं इसे ढक दूंगी, फिर अगला स्टेप आपको दिखाती हूँ कि अगला स्टेप हमें इसका क्या करना है। अब ये देखिए इस वक्त पे मैंने इसमें एक टेबल स्पून जो है पिसा हुआ गरम मसाला, एक टीस्पून जो है मैंने दालचीनी का पाउडर शामिल किया है, नमक मैंने शामिल कर दिया है। इसके साथ ही ये मैं आपको दिखा दूं क्योंकि लाइट नहीं थी तो उस वक्त पे मैं इतनी चीज़ें डाल दी थी, ये वाले चमचे मैंने तीन चमचे जो हैं ये डाले हैं इमली के, ये देखिए इस पल्प के ठीक है। हरा धनिया डाला है, हरी मिर्चें डाली हैं, ये आपके सामने मौजूद है। और इसके बाद मैं अब इसके बघार की तैयारी कर रही हूँ।
के बघार की तरफ। इसके लिए मैंने ये देखिए एक टेबल स्पून के करीब जीरा है, 10 से 12 पत्ते जो हैं कड़ी पत्ते के हैं, और ये 4-5 मेरे पास जो हैं ये साबुत लाल मिर्च है, और 1 टीस्पून के करीब मेरे पास राई दाना है। इसके लिए मैंने तेल तकरीबन, क्योंकि देखिए हमने तेल बिल्कुल अब तक शामिल नहीं किया है, तो 1/2 कप के करीब तेल लिया है और उसमें मैंने ये राई दाना शामिल कर दिया, इसमें डाल दिया है। अब ये राई दाना जब अच्छे से पकेगा तो मैं इसके अंदर आपको दिखाऊंगी। ये राई दाना भी ऊपर आना शुरू हो रहा है, आप देख रहे होंगे दानों की शक्ल में आना शुरू हो गया है। साथ ही ये देखिए मैंने इसके अंदर साबुत लाल मिर्च शामिल कर, अब इसके अंदर ये देखिए ये मिर्चें जरा सी और हो जाए तो मैं इसके अंदर जीरा शामिल करूँ। ये देखिए ये हो रहा है, राई दाना अच्छे से पक रहा है। ये देखिए ये मैंने इसमें 1 टेबल स्पून जो है वो जीरा शामिल कर दिया। अब इस अच्छा अब मैं इसमें ये देखिए ये मैंने कड़ी पत्ता शामिल किया और चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अच्छा आप चूल्हा किस पॉइंट पे बंद करेंगे ये भी मैं आपको बता दूँ। हमने इमली डालने के साथ साथ आपको जो है देखा था कि मैंने जो है इसमें हरी मिर्चें डाली थी, जब वो हरी मिर्चें ज़रा सी ये देखिए वो हरी मिर्चें गल गई हैं ना, तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया। ये आपके सामने इसकी शक्ल मौजूद है, ये देखिए इसमें कोई गोश्त कोई चीज़ शामिल नहीं हुई है, लेकिन ये बहुत मज़ेदार होता है। ये देखिए ये चने की दाल, आप लौकी कहें इसे, आप इसे दालचा कहें, ये दोनों नामों से पुकारा जाता है, और इसे बहुत मज़े का होता है। मेरे मैंने बहुत इसके साथ कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट होने के जो कुछ आपके जो कुछ मैंने इसमें डाला है वो सब घर में मौजूद होता है, और इसमें आपको कहीं भी गोश्त की कमी महसूस नहीं होगी। अब मैं आपको इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन दिखाती हूँ। जी तो तैयार है ये आपके लिए मज़ेदार सा दालचा, चने की दाल के साथ मैंने इसको बनाया है। ये आपने अगर कभी हैदराबादी थाली खाई होगी तो ये उसका एक लाजमी जुज़ होता है। ये चने की दाल के साथ मसूर की दाल में भी बनाया जाता है, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द वो भी आपको सिखाऊंगी। तो ये मैंने चावलों के साथ सर्व किया है, चाहे तो आप इसे नान से भी खा सकते हैं, चाहे तो आप इसे चपाती से भी खा सकते हैं, मगर ये हर सूरत में बेहद मज़ेदार होता है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आई है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिए ताकि मेरी तमाम रेसिपीज आपको बआसानी मिल सके। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे किसी आसान और अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।